मुट्ठी में है साइंस। अपने को पास से देखना हो तो आईने के करीब आ जाओ और दूर से तो दूर चले जाओ। समझते हैं समतल आईने में रिफ्लेक्शन के कुछ नियम। आईने से होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन। आईने से टकराकर प्रकाश मुड़ता है, मुड़ते समय कोण बिल्कुल उतना ही जितना टकराते समय, इसीलिए हमारी इमेज 180 डिग्री घूम जाती है, दिशा बदल लेती है। मतलब अगर हम उत्तर दिशा में देख रहे हैं तो हमारी इमेज दक्षिण में। आईने में दिखने वाली इमेज को वर्चुअल कहते हैं, क्योंकि हम इस इमेज को स्क्रीन पर उतार तो नहीं सकते, लेकिन दिखते हैं जैसे हैं वैसे के वैसे। दूसरी बात, आईने से नाक लगाकर खड़े होंगे तो आपकी इमेज भी नाक जोड़ लेगी। हमारी इमेज आईने में उतनी ही दूर होती है जितनी हम आईने से दूर। हर मुट्ठी में है साइंस। गेंद बाउंस करती है ना, सीधे गिरे तो टप्पा खाकर वापस हाथ में, वरना पहुंच जाती है कहीं की कहीं। बिल्कुल ऐसा ही खेल है प्रकाश और चमकीले पॉलिश्ड सतहों का। फर्क ये है कि हम कहते हैं कि गेंद टप्पा खाती है और लाइट रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित। स्टील का चम्मच भी अच्छा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और कर्व्ड मिरर्स की साइंस समझने का मजेदार तरीका। चम्मच आईने की तरह सपाट नहीं, ये तो एक तरफ से कॉन्वेक्स है, दूसरी तरफ से कॉनकेव। कॉन्वेक्स या उत्तल, बीच से उठा हुआ। जब लाइट कॉन्वेक्स मिरर पर गिरती है तो इमेज बनती है कुछ ऐसी। दूसरी तरफ है कॉनकेव, अवतल, बीच से अंदर धंसा हुआ। इसमें हम दिखते हैं लंबे और पतले, और अगर चम्मच को दूर ले जाए तो उल्टे भी। हर मुट्ठी में है साइंस। कॉन्वेक्स कॉनकेव, कॉन्वेक्स कॉनकेव। स्टार्ट। आंख का लेंस कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स। ओके। मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स। वेरी गुड। मिरर, आईना, मिरर फ्लैट। वेरी गुड। मिरर फ्लैट है इसलिए हम उसमें वैसे के वैसे दिखते हैं, वरना तो दिखते कैसे कैसे। हाँ, कैसे कैसे। हर मुट्ठी में है साइंस। मोटे पतले लंबे नाटे और अजब चेहरे दिखाने वाले ये आईने हंसाते बहुत हैं, और बिल्कुल वही साइंस यूज करते हैं जो हम समझ ही चुके हैं, कर्व मिरर्स और उनके कॉम्बिनेशंस। टिंग टिंग। हर आईने में हम कैसे दिखते हैं इस बात पर ही तो निर्भर करते हैं कि रिफ्लेक्टिंग सतह का आकार क्या है और हम उससे कितनी दूर हैं। तो अगली बार आपको इस हंसी के फुव्वारे में जाने का मौका मिले तो हंसिए, हंसाइए और थोड़ा गौर से देखिए कि किस तरह के आईने में आप कैसे दिख रहे हैं। हंसते हंसते थोड़ी साइंस भी समझ जाएंगे। हर मुट्ठी में है साइंस। मम्मी, पर वैसे ये मिरर्स के पीछे होता क्या है, ये बनते कैसे हैं? हाँ, इन मिरर्स के पीछे होता क्या, ये बनते कैसे हैं? कुछ और सवालों के कुछ और जवाब। ये है पारदर्शी कांच, प्रकाश इसके आर पार निकल जाता है, लेकिन अगर इसके पीछे कुछ ऐसा लगा दिया जाए कि प्रकाश वापस रिफ्लेक्ट हो जाए तो आईने हम लोगों के बनाए हुए सबसे अच्छे रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस हैं। पारदर्शी कांच के पीछे लगी रुपैली महीन और बिल्कुल स्मूथ परत, हमने आईने के पीछे लगे पेंट को खुरच कर भी देखा तो उसके पीछे की छुरी भी दिखने लगी। आप खुद सोच लीजिए कि आईने के पीछे काला पेंट या किसी और रंग का पेंट क्यों नहीं लगा सकते। दिमाग है साइंस।